रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ वो है नूडल्स की और मैक्रोनी की। तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ नूडल्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन में लहसुन को बारीक चॉप करके डाल दिया था और उसके बाद जो चिकन मैंने उबाली थी वो मैंने श्रेड करके डाल दी और उसको मैं अच्छा सा फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गोभी ले ली थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज और गाजर ले ली थी, तो उसको मैंने काट लिया था। और अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ और इसको मुझे ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सौते करना है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं पैन में और अब मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। और काली मिर्च ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी अच्छे से इसको। मैंने नमक इसके अंदर डाला है और काली मिर्च डाली और अब मैं इसके अंदर अच्छे से इसको भून रही हूँ। और इसके अंदर मैं सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये सब चीज़ें आप अपने जो है टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। ये विनेगर है, सिरका और चिली सॉस मैं थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो शौक से नहीं खाते, तो इस वजह से मैं इसके अंदर कम मिर्ची डालूंगी। और यहाँ पे मैंने नूडल्स को उबाल के रखा हुआ था और मैं नूडल्स को इसके अंदर शामिल करके और अच्छे से मिक्स कर डाल लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अच्छे से नूडल्स को मिक्स कर रही हूँ। और ये दोनों रेसिपीज़ उसी दिन की हैं, उसी दिन मैंने शूट की थी जिस दिन मैंने बच्चों की पार्टी करी थी, उसी दिन मैंने बनाई थी, तो उसी दिन मैंने शूट करी थी और जिस दिन भी मैं रिकॉर्ड हुई थी। तो अगर कोई भी इसमें जो है क्लिप मिस हो गया हो तो माजरत है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर क्योंकि मैंने इसके अंदर नूडल्स ऐड करे इस बर्तन उठा कर दे दो पहले, जो काली मिर्च थी, सिरका वगैरह जो था वो कम था तो मैंने उसके अंदर और ऐड कर दी है सारी चीज़ें, काली मिर्च, सिरका सब ऐड कर दिया। और ये देखिए अच्छे से उसको मिक्स करके मैंने डिश आउट कर लिया है और ये हमारे नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं और बहुत मज़े के बने थे, सब बच्चों ने शौक से खा लिए थे क्योंकि कम मिर्ची डाली थी मैंने। यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया है ऑयल और इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था और थोड़ी सी प्याज थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और अब मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। जब भी आप नूडल्स बनाए तो उसको उबालने का तरीका ये होता है कि पहले आपने पानी उबाल दिया अच्छी तरह, उसमें आपने चम्मच पानी डाल दिया और नमक डाल दिया। उबालने के बाद आप उसको चेक करते रहें, ये नहीं कि आपने छोड़ दिया। तो इस तरह से बहुत अच्छे और खिले खिले नूडल्स या मैक्रोनी या पास्ता उबलते हैं और वो अच्छे से पकते हैं। और इसके अंदर मैंने चिकन जो ऐड करके रखी हुई थी वो मैंने डाल दी और अच्छे से उसको मैं भून रही हूँ। और यही सब्ज़ी जो मैंने गोभी, बंद गोभी भी, गाजर, शिमला मिर्च ली थी वो मैंने काट के रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने लिया था बेक पार्लर की मैक्रोनी, तो उसके अंदर से ये से साशे निकला था मसाले का, तो वो मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है, पूरा मैंने मसाले का पैकेट नहीं उधेड़ दिया बल्कि अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने इसके अंदर वो मसाला उसमें शामिल किया है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा, मैंने बच्चों के लिए बनाए थे तो बच्चों को ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, वो मिर्च वाली चीज़ें खाते नहीं हैं,
तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सा जो है वो मसाले का पैकेट जो था वो थोड़ा सा डाला है मसाला, और उसके बाद फौरन मैंने सब्ज़ियाँ डाली और सब्ज़ियों को डाल के मैं अच्छे से जो है उसको जो है सौते कर लूँगी, और क्योंकि इसमें हमारी सारी चीज़ें चिकन वगैरह सब गला हुआ है तो हमें इतना पकाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होती थी। बस हल्का सा इसको मैं सौते करूँगी और सौते करने के बाद इसके अंदर मैं मैक्रोनी ऐड कर दूँगी, और फिर मैं अगर देखूँगी कि इसके अंदर सिरके की या सोया सॉस की या काली मिर्च वगैरह जिसकी भी ज़रूरत होगी तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद फिर सर्व करूँगी। यहाँ पर मैं सिरका भी सोया सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर, और ये है सिरका, और ये चिली सॉस को मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए ये मैंने वहाँ पर जो एक पैकेट लिया था वो मैंने उबाल के और रख दी थी, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। अच्छा, क्योंकि मैं वीडियो भी शूट खुद ही कर रही होती हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा ये कैमरा जो होता है वो उनका रहता है, एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ और दूसरे हाथ से खाना वाना बना रही होती हूँ, तो इस वजह से ज़रा सा जो है कैमरा वो इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए माजरत है। और यहाँ पर बस मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड करना है। ये देखिए मेरी रेसिपी रेडी हो गई, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।